Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello guys, good afternoon. Today I will discuss about talent management. This code is KMBN HR02. HR01. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन। इसके पहले हम लोगों ने रिक्रूटमेंट को डिस्कस किया था। रिक्रूटमेंट जो टॉपिक था वो हमारा क्या था, एक पॉजिटिव फंक्शन था, सिलेक्शन हमारा निगेटिव फंक्शन है। वो पॉजिटिव इसलिए था कि उसमें भी जितने भी अप्लाई या कैंडिडेट अप्लीकेंट जो भी अप्लीकेंट हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं उन सबको हम लोग उनके अप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट ऐसा तो नहीं कि जितने भी अप्लीकेंट हैं जिन्होंने भी अप्लीकेशन डाला है उस पोस्ट के लिए तो हम सबको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लें। अगर हमारे पास 10 वैकेंसी है और उसमें अप्लीकेंट कितने हैं 100, तो हम ऐसा तो नहीं कि 10 वैकेंट सीट हमारे पास है और 100 अप्लीकेंट है तो हम क्या 100 को रख लें, नहीं। तो उसमें से भी जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है रिक्रूटमेंट से, उसमें भी जो 10 बेस्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन उनको चूज करता है और ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो भी पोस्ट उनके लिए सुटेबल होती है उनको दे देता है। तो इसीलिए इसको अगर हम कहा जाए इसके इतना क्लियर हो गया क्या होता है सिलेक्शन। इसके बाद अगर इसको पहले ऐसे कह सकते हैं चूजिंग द बेस्ट पर्सन, चूजिंग द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, पर्सन फॉर द जॉब। जो मैंने बताया ना कि अगर मेरे पास 10 वैकेंट सीट है और उसमें अप्लीकेंट टोटल देते हैं 100, तो उसमें से चूज कर लेते हैं जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं उस पोस्ट के लिए। ओके, सेकेंड टॉपिक प्रोसेस ऑफ चूजिंग मीटिंग राइट कैंडिडेट हु इज मोस्ट सुटेबल फॉर द वैकेंट जॉब पोजिशन in the organization, in an organization। क्या कह रहा है कि प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम चूज करते हैं या पिक करते हैं इसको, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब है जो भी पोजीशन खाली है उसके लिए एक सुटेबल कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर। थर्ड टॉपिक आपका है ये चीज है निगेटिव प्रोसेस। बताया मैंने पहले ही था कि रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव फंक्शन है क्योंकि उसमें हम किसी को भी जितने भी अप्लीकेंट आते हैं सबको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें रिजेक्ट नहीं करते। इसमें क्या करता है कि अगर 100 कैंडिडेट उस अप्लीकेंट जॉब के लिए अप्लीकेंट हुए हैं तो हम उसमें से जितने भी पास वैकेंसी है उनको चूज करते हैं, तो इसलिए ये निगेटिव प्रोसेस भी होता है। क्लियर। ऐसे कह सकते हैं इट इज अ निगेटिव प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व रिजेक्शन ऑफ इनसुटेबल कैंडिडेट, रिजेक्शन ऑफ इनसुटेबल, जो मतलब सुटेबल नहीं है, सुटेबल
क्या रहा है ये सब निगेटिव प्रोसेस, क्या है ये निगेटिव प्रोसेस है। फिर क्या कह रहा है एज इट इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व क्या होती है जो इनसुटेबल कैंडिडेट हैं उनको हम क्या करते हैं रिजेक्ट कर देते हैं। क्लियर, एनी डाउट। तो अब हमारी डिफिनेशन आती है सिलेक्शन की, अलग अलग ऑथर ने बहुत सारी डिफिनेशन लिखी है तो हम आपको सिर्फ दो ऑथर की डिफिनेशन बताते हैं जो इम्पोर्टेंस भी है और इजी भी है। ओके, जैसा कि हमने कहा कि अलग अलग ऑथर ने अलग अलग डिफिनेशन लिखी है तो मेरे पास दो ऑथर की डिफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू स्टीवन पी रॉबिन एंड मैरी प्लाउडर, इन्होंने कहा था कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस। सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस जैसा कि मैंने पहले बताया था। स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेशन, क्या करते हैं जो भी एप्लीकेंट हैं हमारे पास उसको स्क्रीन करते हैं, मीन्स हम उनमें से कुछ की जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपेबल है उन्हें हम स्क्रीन करते हैं, यानी उनमें से हम छांटते हैं। टू इंश्योर दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर, जो भी उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो भी सुटेबल कैंडिडेट होते हैं उन्हीं कैंडिडेट को हम हायर करते हैं। दूसरी डिफिनेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू बेल ऑर्डर के, इन्होंने कहा था सिलेक्शन इज द प्रोसेस, ये तो एक प्रोसेस है, बिना प्रोसेस के कोई भी काम मिलता है। बाय विच कैंडिडेट, इसमें जो भी कैंडिडेट होते हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पहला होता है दोज हु विल बी ऑफर्ड, जिनको हम ऑफर्ड करते हैं, जो भी हम इनको ऑफर कर रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट या रोजगार दे रहे हैं, और जो एंड दोज हु विल नॉट, जो जिनको हम नहीं करते हैं, वो दोनों होते हैं इसमें। तो इन्होंने क्या कहा था कि उस अपने जो भी एम्प्लॉयमेंट जो भी जॉब थी उसको दो पार्ट में, एक तो जिनको उन्होंने ऑफर किया हायर किया और जो एक जिनको उन्होंने हटा दिया उस पोस्ट से, वो दोनों ये दिया था इन्होंने डिफिनेशन। आगे कल हम लोग उस पर देखेंगे प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन, उसके बाद हम इसमें एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन के डिफरेंस बिटवीन भी देख लेंगे, जो भी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है और बहुत ही ईजी है।